राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ती पानी की कमी को देखते हुए बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। इसी बीच बात करें उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया इस वक्त आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी के पास पहुंचे थे, क्या कुछ वजह रही है उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सर आज एक कंप्लेंट लेकर आप डीसीपी साहब से मिले, क्या कुछ वजह? देखिए वजह बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मंडल पे, जिले पे, विधानसभा स्तर पर दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। मैडम आतिशी बंद कमरों में बैठती है, गलती से जय भगवान उपकार जी कुछ स्थानीय लोगों को मिल गए और उन्होंने कहा कि हमें पानी नहीं आता। जय भगवान उपकार टैंकर माफिया है, जितनी भी यहाँ पर कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों में पानी धमकी के साथ बेचते हैं, ये मेरा आरोप है। टैंकर माफिया है, वो पूरा का पूरा कमांड उनके पास है, उनकी मर्जी है किसको पानी दे ना दे। जिन लोगों को पानी नहीं मिला वो उनके घर पर पानी मांगने के लिए गए थे, जब व्यक्ति को पानी नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं तो कई आदमी व्यक्ति नाराज भी होता है, गुस्से में भी होता है, आपकी जिम्मेदारी पानी देने की। उन्होंने कहा तुम्हें ठंडा कर दूंगा, करवा दूंगा। ठंडा करने का मतलब जो मैं समझ पाया हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा और मरवा दूंगा। इस प्रकार का अधिकार जय भगवान उपकार को किसी ने नहीं दिया मारने का। आप पानी दो या मत दो, लेकिन आप इस प्रकार से लोगों को डराएंगे धमकाएंगे तो लोग आपके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। पानी को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज होती जा रही है, आप जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं वैसे ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भी तो आरोप लगा रही है ना कि हरियाणा सरकार हमें पूरी मात्रा में पानी नहीं दे रही, इस वजह से हम दिल्ली के लोगों तक पानी नहीं पूरी मात्रा में पहुंचा पा रहे। मैं जब मुनो के घर पे गया था आप मेरे साथ थे, मैं मैडम आतिशी से कहना चाहता हूं अगर कोई व्यक्ति होता, महिला नहीं होती तो मैं कहता करते हैं माँ का दूध पिया है तो योगेंद्र चंदोलिया के साथ आ जाओ मुनक नहर पर, वो महिला है, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ। दम नहीं है मुनक नहर पे जाने का, क्यों विजिट नहीं कर रहे? जाकर लेके जाए मीडिया को और बताएं कि यह पानी नहीं आ रहा, फिर आप छापना कि हरियाणा सरकार जो है पानी नहीं दे रही है। इसी कमरों में बैठकर प्रेस के साथ बात कर काजू बादाम खाकर अफसरों के साथ बैठकर दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसलिए पानी का घोर संकट ये आम आदमी पार्टी कर रही है कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया है तो आपको पानी नहीं मिलेगा। ये अगले विधानसभा की बिसात बिछाना चाहती है, विधानसभा बहुत दूर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सड़कों पर है लेकिन दिल्ली की जनता जय भगवान उपकार से नहीं डरेगी। और आज इसलिए हम यहाँ पर अंजू अमन जी, हमारे जय भगवान जी शुभेंदु शेखर वक्त हमारे प्रवक्ता आए हैं, हमने कहा है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और ये जो हमने जो कंप्लेंट दी है इसमें अनेक मुकदमे दर्ज हैं, हमने कहा है कि FIR दर्ज कीजिए और शाबाश डेरी का इनको BC बनाया जाना चाहिए। बैड करेक्टर, जब पुलिस पकड़ती है किसी छुरेबाज को, चाकूबाज को, जेब कतरे को, लड़ाई झगड़ा करने वालों को तो ऐसे की थानों में फोटो लगती है, ये उस फोटो के लायक है। अभी आपने डीसीपी साहब को कंप्लेंट दिया, क्या कुछ आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि इस पे हम जांच करेंगे और इस पे जो भी कार्रवाई होगी बने कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये जो आपने जो निकाला है कोई भी व्यक्ति गूगल से इनके मुकदमे निकाल सकता है और ये पार्षद होते हुए जेल काट कर आए हैं तो इनको तो जेल जाने का बड़ा आनंद आता है क्योंकि वहाँ मालिश अच्छी होती है। तो बिल्कुल लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ती पानी की कमी को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने साफ तौर पे कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को डराते धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए आज उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।